तो जय माता दी दोस्तों, फ्रीहिट प्रोजेक्ट के दूसरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय क्रिकेटर्स और उनका कोरोना की तरफ डोनेशन। तो हमारे साथ में रौनक ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली एंड चिराग ऑल द वे फ्रॉम दहिसर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से क्रिकेटर्स ने कितनी राशि का डोनेशन किया है। सबसे पहले हमारे लिस्ट में आते हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने डोनेट किए 50 लाख रुपए। इसके बाद आते हैं सौरव गांगुली, जिन्होंने 50 लाख रुपए का राइस डोनेट किया है। इसके बाद आते हैं पठान ब्रदर्स, इरफान पठान एंड यूसुफ पठान, जिन्होंने 4,000 फेस मास्क डोनेट किए हैं। इसके बाद हमारे लिस्ट में आते हैं शिखर धवन, जिन्होंने कहा तो है कि उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन कितना किया है वो हमें पता नहीं। इसके बाद आते हैं गौतम गंभीर, जिन्होंने 50 लाख रुपए डोनेट करे हैं। उसके बाद आते हैं क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला, जिन्होंने अपने 3 महीने की सैलरी डोनेट करी है। इसके बाद आते हैं अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने 10 लाख रुपए डोनेट किए। सुरेश रैना, जिन्होंने 52 लाख रुपए डोनेट किए। फीमेल क्रिकेटर्स में आते हैं ऋचा घोष, जिन्होंने 1 लाख की डोनेशन की है। मिथाली राज, जिन्होंने 10 लाख की डोनेशन की है। और उसके बाद आती है पूनम यादव, जिन्होंने 2 लाख रुपए की डोनेशन की है। और साथ ही में आती है दीप्ति शर्मा, जिन्होंने 1.5 लाख रुपए की डोनेशन की है। तो ये लिस्ट तो काफी लंबी थी, लेकिन काफी प्लेयर्स इसमें हमें दिखाई नहीं दिए। रौनक, कोई ऐसे प्लेयर जिनसे आप उम्मीद करे थे इस लिस्ट में आने की? हेलो यश जी, हेलो चिराग जी। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, मेरे को नाम नहीं, या आपने बोला नहीं, एमएस धोनी का नाम, जो कि ब्रांड एम्बेसडर इतने सालों तक ये रहे हैं, अभी भी है, हालांकि रिटायरमेंट नहीं लिया लेकिन अभी भी है। सचिन तेंदुलकर के बाद जो ने कहते हैं इंडिया का बड़ा प्लेयर, वो एमएस धोनी को कहते हैं। तो अगर एमएस धोनी जैसे प्लेयर ने, जो हमें मेरे को सुनने में जो आया, पुणे के उन्होंने किसी चैरिटी फंड में 1 लाख रुपए जमा करे हैं, 1 लाख रुपए, अगर हम लोग भाई 5 साल काम कर लेना तो हम लोग 1 लाख रुपए जमा करके दे देंगे उन्हें रिलीफ फंड में। वो तो भाई कितने सालों से, कितने हजार करोड़ रुपए, कितने लाख करोड़ कमा चुका होगा एमएस धोनी। एक टाइम में ऐसा आया था 1,000 करोड़ का, उसने पेप्सी की तरफ से कोई उसने एडवर्टाइजमेंट साइन करी है 3 में, मेरे को कोई ऐसा सुनने में आया था। 1 करोड़ आज से 7-8 साल पुरानी बात है, तो अब तो कितने हजार करोड़ का मालिक होगा। लेकिन अब विराट कोहली जैसे प्लेयर है, अब वो तो यही आया कि उन्होंने से 3 करोड़ रुपए जमा करे हैं, अनुष्का के साथ उन्होंने फोटो डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो अब वो अच्छी गलत खबर है या सही खबर है ये हमें पता नहीं है। और रही बात बाकी प्लेयर्स की, तो यहाँ पे मैं बड़े प्लेयर जैसे युवराज सिंह, हरभजन सिंह ने अभी अफरीदी के उनमें चैरिटी में उन्होंने डोनेट करे, लेकिन यहाँ पे डोनेट नहीं करे, मे बी डोनेट करेंगे अभी आखिर में, लेकिन अभी तक किस नहीं आया। तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट इंडियन क्रिकेटर्स 1-1 करोड़ रुपए जमा करें, एटलीस्ट इतने करोड़ रुपए ये लोग कमा चुके हैं। इससे बढ़िया तो वुमेन प्लेयर्स है, 1-1 लाख रुपए। लक्ष्मी रतन शुक्ला है, अपनी 3 महीने की सैलरी, मतलब अगर उनकी सैलरी 30,000 भी हर महीने मिलती हो, 50,000 ज्यादा ही मिलती होगी, बल्कि 60-70 हजार भी मिलती होगी, तो तब भी उन्होंने 2-2.5 लाख रुपए तो आराम से उन्होंने ही दे दिए, जो कि डोमेस्टिक प्लेयर है। तो मेरे को ये शर्म आती है ऐसे बोलकर भी। हाँ भाई, ये तो बहुत आश्चर्यचकित की बात है कि एमएस धोनी ने अब तक कुछ डोनेट किया नहीं, उन्होंने 1 लाख रुपए डोनेट किया, ये न्यूज पे तो अभी तक कंफर्मेशन है नहीं। लेकिन हाँ, मेरे लिए भी ये काफी सरप्राइजिंग बात है कि अभी तक छुपके बैठे हुए हैं। एटलीस्ट बाकी प्लेयर जिन्होंने डोनेट नहीं किया, उन्होंने अवेयरनेस तो फैलाने में मदद की है लोगों के बारे में कि अपने हाथ स्वच्छ रखे, घर के बाहर ना निकले। लेकिन एमएस धोनी बिल्कुल भी छुपके बैठे हुए हैं। शायद इसका ये भी रीजन हो सकता है कि आईपीएल इस साल नहीं होगा, उसका उनके करियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, शायद इसके वजह से उनकी छुपी यहाँ पे हमें महसूस हो रही है। चिराग, आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे, एमएस धोनी क्यों शांत है? मेरे हिसाब से एमएस धोनी ने भी विराट कोहली जैसा ही कुछ किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डोनेट अगर करते तो उसपे वो लोगों को बताना नहीं चाहते, लेकिन वो कोई एंगल से देखा जाए तो सही भी है, कोई एंगल से गलत भी है। क्योंकि अगर आप ऐसे इतने बड़े प्लेयर हो, इतने बड़े एम्बेसडर हो, तो आप अगर बताओगे नहीं लोगों को तो लोग तो बोलते रहेंगे कि भाई ये क्यों कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे क्यों छुप के बैठा है। लेकिन उन्होंने भी कुछ तो किया ही होगा मेरे हिसाब से तो। रौनक, आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था वो कहानी जिसमें 1 करोड़ भारतीय प्लेयर्स को दिए गए थे और उन्होंने ज्यादा, क्या आप वो हमारे दर्शकों को फिर से बता सकते हो? मैं एक कहानी जो ऑलमोस्ट ये छुपी छुपाई है या मे बी किसी को ध्यान में नहीं होगी, 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, हाँ जी, T20 का, 2007 में जब सब प्लेयर्स को 1-1 करोड़ रुपए मिले थे, 2007 में 1-1 करोड़ रुपए मिले थे, 2011 में भी इंडिया वर्ल्ड कप जीती 50-50 का, इनको 1-1 करोड़ रुपए पहले मिले,
लेकिन रवि शास्त्री ने जब मतलब जो प्रेजेंटेशन दी थी तब 1 करोड़ रुपए सबको मिल गया, लेकिन उसके बाद अगले दिन आया था न्यूज में कि इंडिया के प्लेयर्स खुश नहीं है कि उन्हें 1 1 करोड़ रुपए मिला है, उनको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। और हर प्लेयर को बीसीसीआई ने 2 2 करोड़ रुपए दिए, प्लस जो स्टेट है जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और जैसे और भी प्लेयर्स है और भी पंजाब की गवर्नमेंट, उनके अपनी स्टेट के प्लेयर्स को उन्होंने अलग अलग पैसे दिए थे, 3 4 5 लाख, 10 लाख 15 लाख, ये फिगर एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, लेकिन ये जरूर याद है कि बीसीसीआई के टाइम पे उन्होंने 1 करोड़ रुपए की जगह 2 करोड़ रुपए मांगे थे। अब जो ये आप कह सकते हो कि 1 करोड़ रुपए की जगह मेरे को 2 करोड़ रुपए दो, तो तुम भाई साहब हम भी तो बोल सकते हैं ना कि भाई हमें पैसा दो, हमें लोगों को देना है पैसा। बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने प्लेयर्स को भी तो बोलो कि तो वो लोग पैसे दे। एमएस धोनी ब्रांड एम्बेसडर है, एक बार उसका इंटरव्यू ले आओ कि मेरे सारे प्लेयर सारे हजार हजार रुपए भी जमा करवा दो, अब मेरे उसके फैंस भी, तब भी कितनी बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन वो बोलेगा नहीं क्योंकि उसने खुद 1 लाख रुपए जमा कराया। ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट निभाया आपने। जब आपको पैसे कम मिले थे तब तो आपने आवाज उठाई थी, और अब आप कह रहे हो कि हम आवाज नहीं उठाना चाहते, हम ताकि हम गुप्त में रह के डोनेट करना चाहते हैं। हमने कई और क्रिकेटर्स को देखा गुप्ती में डोनेट करे, लेकिन गुप्ती का राज क्या है ये चिराग? देखो राज तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, डोनेशन एक ऐसी चीज है जो अपन किसी को फोर्स नहीं कर सकते, वो उनका पर्सनल चीज है। उनको जितना आप बोल रहे हो कि वो जीते थे तभी उन्होंने मांगा था, वो अलग बात हो गई, वो जीतने की बात अलग है। डोनेशन जो है वो एज अ पर्सन जितना करना चाहते हैं वो खुद करेंगे, उनको कितना भी फोर्स कर लो वो मन से नहीं करेंगे, जितना वो मन से करना चाहते उतना ही करेंगे। तो जितने भी प्लेयर्स हैं मेरे हिसाब से उन्होंने ज्यादा करना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकते, उनको फोर्स तो कोई नहीं कर सकता किसी को कि डोनेट करो और डोनेट करो। चिराग के पॉइंट से रौनक आप सहमत नहीं लग रहे हो? मेरे को ये समझ नहीं आया, अगर आप वो मान सकते हो तो ऐसे तो फिर विनिंग प्राइस जो होता है तो आप वो क्यों चेंज कराने में लगे हो। जो बीसीसीआई ने अपनी तरफ से 1 1 करोड़ रुपए दे रहे थे तो 2 2 करोड़ रुपए तब क्यों मांगे। अगर अगर हम लोग डोनेशन के नाम पे, हम भी तो कहते हैं ना चैरिटी क्या होती है, अब चैरिटी वाले जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यार मेरे को डोनेट दे दो क्योंकि मेरे इतने प्लेयर, मेरे इतने जो है उनको स्टडी के लिए इतने पैसे चाहिए, मेरे को आप पैसा दे दो प्लीज, ये आपकी इच्छा है आप कितने पैसा दो। अच्छा आपने 50 हजार रुपए दिया, अगर आप थोड़े से और पैसे दे दोगे तो क्या पता हमारे जो 10 बच्चे पढ़े हैं वो 20 बच्चे पढ़ जाए। यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 1 लाख रुपए दे रहे हो 100 बंदों को बचा रहे हो, अगर आप 1 करोड़ रुपए दे दो तो आप 10 हजार लोगों को भी बचे हो। ये चीज मेरे कहने का मतलब है कि आप, हम भी तो पैसा मांग सकते हैं ना कि हमारे टीम, हमारे सारे इंडियन पीपल जो भी दुख से है जैसे गरीब बंदे हैं, कितनी मदद करोगे आप, जितनी मदद करोगे उतनी कम है ना, खुश होकर भी दो तो सही। बीसीसीआई भी ने खुश होकर नहीं दिया होगा पैसे, 15 बंदों को 15 लाख करोड़ रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है तो उन्होंने भी अपनी तरफ से 15 करोड़ रुपए दिया, तो तुम भी दे दो 1 करोड़ रुपए दे दो, क्या दिक्कत है तुम्हें। ये बात तो रही एमएस धोनी की, आई थिंक ये कॉमन पॉइंट है कि धोनी ने अगर डोनेशन किया है तो उन्हें पब्लिकली आना चाहिए, और अगर उन्होंने 1 लाख का डोनेशन किया है तो ये शर्मनाक बात है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्लेयर्स की जिनसे डोनेशन की उम्मीद कर सकते थे। मेरे लिए एक प्लेयर है हार्दिक पांड्या, जो कि बहुत लाइमलाइट में दिखाई दे रहे हैं 3 4 सालों से, बहुत सारे एड्स कर रहे हैं, बहुत जगहों पे घूम रहे हैं फिर रहे हैं। केएल राहुल, इन इनों से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। और ऐसे कोई प्लेयर्स है रौनक, और इन प्लेयर्स पे क्या बोलना चाहोगे? हाँ जी, एक तो रोहित शर्मा का नाम मिस हो गया था इसमें, रोहित शर्मा ने भी 70 से 80 लाख रुपए दिए है, वो आपने मिस कर दिया था ना, मेरे को याद है। रोहित शर्मा ने 50 40 लाख रुपए शायद जो मोदी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके फंड में डाले हैं, साथ में 10 लाख रुपए जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको, बाकी 5 7 लाख रुपए के मास्क, 5 7 लाख 10 लाख रुपए के जो गवर्नमेंट को दिए, तो उन्होंने भी 80 लाख रुपए का कंट्रीब्यूट करा है। तो 1 करोड़ से चलो ठीक, एटलीस्ट आप इतने रीजनेबल फिगर तो आप कर ही सकते हो। हार्दिक पांड्या उनको बस सिर्फ फोटो इंस्टाग्राम वगैरह, बस उनको ऐयाशी करवा दो, उनको मजे करा दो, बस उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट उनसे हम मांग नहीं सकते, उनकी खुद भी इच्छा होगी तो वो भी, मेरे को लगता है यार छोड़ यार क्या करना है, मेरे को 2 साल तो मेरे को खेलना है। उसका जो एम होता है ना, वो मेरे को लगता है वो एम ही यही लेके चल रहा है कि बस मेरे को 2 साल खेलना है, उसके बाद मेरे को खेलना नहीं है, तो मेरे को 2 साल जो खेलना है मैं उसमें फुल ऐयाशी कर लूं, बहुत पैसे कमा लूं, वो मेरे को यही उसका हिसाब लग रहा है। जितना वो अपना फ्लैम बॉय जैसे, अब युवराज सिंह था पहले 2000 में आया था तब कितना फ्लैम बॉय जैसे था, धीरे धीरे करके वो भी ठीक हुआ, लेकिन ये तो उसको 4 साल हो गए आते हुए, ये तो अभी तक ठीक ही नहीं हुआ।
हालांकि युवराज सिंह को पैसे देने चाहिए। यहाँ पे मैं एक प्लेयर और का नाम मैं लेना चाहूंगा, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भी काफी पैसे कमा चुके हैं, लेकिन मैं अब इतना मैं गलत नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हाँ आप कंट्रीब्यूट और दिखाओ कि मैंने कंट्रीब्यूट करा है, जिससे और लोग भी कंट्रीब्यूट करें। अब हम जैसे लोग हैं, अब लोग जो है यहाँ पे कभी लंगर कर रहे हैं हमारे घर के उधर, कभी कोई कर रहे हैं, अब हमें भी देख के लगता है कि हम भी कुछ करें। तो अगर हम लोग उनसे इंस्पिरे ले सकते हैं कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, वैसे क्या पता जो प्लेयर्स है उनको लोग देखेंगे कि वो लोग पैसे दे रहे हैं, तो हमारे अंदर से भी होगा यार हमें इधर भी पैसे देने चाहिए। हमारा अगर अच्छा प्लेयर MS धोनी जैसे प्लेयर अगर हमें कुछ कह रहे हैं, तो यार ये अच्छी बात है, मेरे को पैसे देने चाहिए। ये आप देखे तो गलत रौनक चीज जी है। के मैं ये पॉइंट से तो सहमत हूँ कि सबको अगर डोनेशन कर रहे हैं तो बताना चाहिए, लेकिन मैं वही मेरा पॉइंट वही है कि डोनेशन चाहे आप कितना भी दो, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को वो, चाहे क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 1 करोड़ करे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन जो है वो आप बंदे को फोर्स नहीं कर सकते हो। डोनेशन मन से होता है, आपको भी पता है, आप बोल रहे हो लंगर चल रहा है, हमारे यहाँ पे भी इतना कुछ चल रहा है, लोग डोनेट कर रहे हैं, लेकिन वही है कि किसी को भी आप फोर्स नहीं कर पाओगे, बस कर रहे हो तो बता के करो, इतना कर सकते हैं, बोलो। लेकिन चिराग चिराग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम अज्यूम करें, आप एक क्रिकेटर हो जिसको लाखों करोड़ों लोग प्यार करते हैं, आपने इतनी सारी डीलिंग साइन करी है, आपने इतना पैसा कमाया लाइफ में, क्या आपके फैंस आपसे उम्मीद करना 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की, क्या ये गलत है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस को आप गलत नहीं कर सकते हो, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन तो सब लोग करेंगे कि सचिन तेंदुलकर को भी 10 करोड़ करने चाहिए थे डोनेट, वो गॉड है क्रिकेट के, वो इतना टाइम से खेलते हुए आ रहे, इतने बड़े प्लेयर है, अगर वो सिर्फ 50 लाख डोनेट कर रहे तो बाकी प्लेयर सोचो, जो रैना जैसे प्लेयर है, दूसरे प्लेयर है, वो लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर मतलब इतना बड़ा प्लेयर है, वो अगर सिर्फ 50 लाख डोनेट कर रहा है तो हम इतना ज्यादा करके क्या कर लेंगे। मतलब सब प्लेयर जैसे हम प्लेयर से इंस्पिरेशन लेते हैं, वैसे ही प्लेयर्स दूसरे बड़े प्लेयर से इंस्पिरेशन लेता है, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो लेकिन फोर्स नहीं कर सकते। हम फोर्स नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। अब जैसे सुरेश रैना ने सचिन तेंदुलकर से ज्यादा पैसे दे दिए, 50 लाख रुपए सचिन ने दिए, 52 लाख रुपीज रैना ने ले लिए। हाथ सचिन को रिटायर हुए कम से कम 8 साल हो चुके, मतलब 6 से 7 साल हो चुके, और 13-14 में रिटायरमेंट ले चुके थे वो। अभी भी वो इंडिया के जो स्पोर्ट्स के जो हाईएस्ट रैंक में आते हैं ना, विराट कोहली फर्स्ट में आते हैं, MS धोनी आता है थर्ड में, अभी भी सचिन तेंदुलकर ही आते हैं। तो अगर वो खेलते, उनको 28 साल हो गए, 28 साल वो खेले हैं, या 26 साल, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, इतना माइंड में इतना प्रेशर है, सॉरी 20 साल जो खेले है वो, अब वो 20 साल इतना खेले है और प्लस 8 साल अब हो गए, तो 28 साल में उन्होंने सिर्फ 50 लाख रुपए ही लोगों के लिए दिए हुए कि भाई मैं कंट्रीब्यूट सिर्फ 50 लाख रुपए दूंगा। आप एक खुद साइकोलॉजिकल फिगर देखो, रतन टाटा 1500 करोड़, क्योंकि उसकी फिगर बंदे का नाम से पुकारे है कि भाई ये बंदा है, तो भाई इसने कम से कम इतने पैसे तो इसको देने चाहिए थे जो हमारी एक्सपेक्टेशन। अब ये CMG अक्षय कुमार इतने सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता है प्लेयर, वो सेलिब्रिटीज में, उसने 15 करोड़ रुपए दिए, तो सबकी एक्सपेक्टेशन सेट है, इतना है तो करना भी चाहिए उनको, बाकी सबकी अपनी मर्जी है। आखिरी 1 मिनट का समय बचा है हमारे पास, तो मैं एक टॉपिक और लेना चाहूंगा कि हमने प्लेयर से तो उम्मीद कर ली, क्या हमें IPL के टीम ओनर से भी उम्मीद करनी चाहिए कि उनसे भी डोनेशन आए? मैं खुद एक शाहरुख खान का फैन होते हुए बहुत ही नाराज हूँ, मुंह छुपाने वाले दिन आ गए कि शाहरुख खान चुप बैठे हुए इतनी बड़ी टीम को ओन करते हैं। वो मुंबई इंडियंस की तरफ से देखा, अंबानी ने बहुत ज्यादा डोनेशन किया हुआ है। कोई और प्लेयर्स है या कोई और ऐसे मशहूर पर्सनालिटीज है क्रिकेट में स्पेसिफिकली जिनसे आप और डोनेशन की उम्मीद करते हो? चिराग, मेरे हिसाब से तो बॉलर्स को मैंने देखा है, अभी तक कोई भी बॉलर की तरफ से कुछ डोनेशन नहीं आया, मेरे को किधर ऐसे दिखा नहीं है कोई बॉलर ने कुछ किया है। पता है सब लोग बोलते हैं बैट्समैन गेम है, लेकिन ये चीज पे अभी आप भुवनेश्वर कुमार को ले लो, वो भी बहुत टाइम से टॉप पे है, बुमराह भी है, तो उनके तरफ से भी कुछ आना चाहिए। और ओनर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से जो चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर्स है, जब भी उनके लिए पहले भी फिक्सिंग का उनके ऊपर सब हो चुका है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो चुका है, तो उनको डोनेट करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मतलब ठीक है इमेज उनका ठीक होते जा रहा है, अच्छा होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डोनेट करके अपना इमेज और ऊपर ला सकते हैं। तो वैसे ही ओनर से भी हम एक्सपेक्ट तो करेंगे कि वो डोनेशन करे, लेकिन वही है, देखते हैं अभी क्या होता है, अभी भी कर सकते हैं वो लोग।
आइए हम आखिरी समय में सबकी एक एक राय लेते हैं कि उनका इस क्या वो एक लाइन बोलना चाहेंगे क्रिकेटर्स को, उनके फैंस को, उनका ओपिनियन क्या है डोनेशन को लेके। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, आप डोनेट करो या ना करो ये आपकी मन की इच्छा है, लेकिन एटलीस्ट आप अवेयरनेस फैलाओ। आप इंस्टाग्राम पे आओ, आप फेसबुक पे आओ, ट्विटर पे आओ, जो माध्यम यूज करना है आप करो, लेकिन लोगों को बताओ कि सुरक्षित रहे, क्योंकि लोग आपकी बात मानते हैं। रौनक आपका, आप किस क्या बोलकर खत्म करना चाहोगे अपना टॉपिक? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पहले तो जो भी लोग देख रहे हैं, हम लोग भी घर पे हैं, आप लोग भी पहले घर पे रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यही चीज जो मैंने भी दो लाइन बोली है, घर पे रहो, बाहर मत जाओ, ये आता हूं सब। एटलीस्ट बीसीसीआई को, हर अपने प्लेयर्स को बोलना चाहिए, एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को बोलना चाहिए कि आप अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाकर एक ये छोटी सी क्लिप बना दो, 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, और यही बोल दो कि आप बस घर। अगर यही चीज बोल देंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। और जिसको जो डोनेट करना है, एज अ आम आदमी, हमारे लिए तो हम जितना करेंगे वो हमारे लिए बड़ा ही होगा। और हम भी यही सोचते हैं कि प्लेयर्स भी ग्यारह भी है, चाहे हम अंदर से कुछ भी बोले कि आपको इतने पैसे डोनेट करने चाहिए, वो उनकी मन की इच्छा है, वो जितने मर्जी करे। लेकिन बाद में मैं यही देखूंगा कि मेरे प्लेयर्स ने जब हमारे बंदों को हमारे, क्योंकि ऐसा टाइम लाइफ में एक बार ही आता है, वर्ल्ड वॉर 1 2 हुई, 3 हुई, ये 3 ही हो रही है हमारी, तो ये जो वॉर हो रही है कोरोना वायरस से, ये एक ही बार ही होगी। ये नहीं कि आप अगले साल फिर आ जाएगा, तो उसमें आपके पास एक ही चांस मिलेगा पैसे देने का, अच्छी तरह पैसे देने का। सब इंडिया की गवर्नमेंट है, एक साथ काम कर रही है, जो भी है स्पोर्ट पर्सनैलिटी, सब एक साथ दे पैसे और अच्छे अमाउंट दे, जिससे लोगों को दिखाने के लिए तो करे ही करे कि मैंने पैसे दिए, आप थोड़े से जितने कंट्रीब्यूट करते हो अपनी मन से भी दे। चलिए आखिरी 15 सेकंड है आपके पास। मैं कहूंगा कि सब जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको, जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि वो कैसे दिल खोल के अपना डोनेट कर रहे हैं। तो वैसे ही जो जितने भी लोग हैं वो अपने मन से करे, जितना करना चाहते हैं करे, बस इंस्पिरेशन ले उनसे और डोनेट करे। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट की समाप्ति करेंगे। आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है किसने डोनेट करना चाहिए, किस क्रिकेटर से आप खुश हो, किससे नहीं हो, दीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे आपके साथ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, बाय बाय।